नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर कोफ्ता। तो चलिए बनाते हैं। फिर 200 ग्राम पनीर ले लिए हैं, दो आलू मैश करके ले लिए हैं, अरारोट है ये, एक कप दही है, जीरा पाउडर, दो टमाटर काट करके ले लिए हैं, अदरक, दो हरी मिर्च है, और ये मलाई है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, ये सब तड़का के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को हाथ की सहायता से इसको मैश कर लेते हैं। इस तरह से हाथ से अच्छे से मैश हो जाता है। देखिए इस तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम ये मैसा हुआ आलू डाल देते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं, कहीं लम्स ना रहे। देखिए आलू भी इसमें एकदम अच्छे तरीके से मैश हो गया है। अब इसमें हम अरारोट डाल देते हैं। दो चम्मच डाले हैं। अगर अरारोट कम डालिएगा तो कोफ्ता टूटने का डर रहता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर सब चुटकी भर, हल्दी पाउडर, ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा इसीलिए इसमें कम नमक डाले हैं। अब इसको हम आटे की तरह गूंथ लेते हैं मैश मैश करके। आटे की तरह मलमल के गूंथ लिए हैं। अब इसका हम गोला बनाते हैं। हाथ में तेल या थोड़ा सा पानी लगा के कोफ्ता का आकार आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं, इतना बड़ा। सब गोला बना के रख लेते हैं इस तरीके से। गोले बना करके तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिए हैं। आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, रिफाइन में बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसको हम चेक करते हैं, तेल गर्म हो गया है, गैस हम कम कर देते हैं, नहीं तो ऊपर से बन जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। एक एक करके इसमें डाल देते हैं। गैस एकदम लो फ्लेम पर रहना चाहिए। सबको हम धीरे धीरे करके डाल दिए हैं उसमें। तब तक हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। एक साइड पक गया है, इसको हम पलट देते हैं।
दोनों साइड से सिकने के बाद सारे गोले हम निकाल लेंगे। हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। इसी तरह सारे गोले कढ़ाई रख दिए हैं। इसमें हम 2 चम्मच सरसों का ही तेल डाले हैं, 1 तेज पत्ता डाल देते हैं, चुटकी भर हींग, जीरा, इसमें हम ये पीसा हुआ प्यूरी डाल देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। चुटकी भर मिर्च पाउडर, क्योंकि उसमें भी डाला हुआ है, हरी मिर्च पिसा हुआ है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको फ्राई होने देते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, तेल साइड से छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप दही। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी फ्राई होने देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी में हम डाल देते हैं मलाई। ठीक है, फ्राई हो गया। इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं 1/2 कप। पानी आप अपने हिसाब से, जैसा कोफ्ता का ग्रेवी रखना चाहते हैं। अब इसको उबलने देते हैं। बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। सारा कोफ्ता हम नीचे बर्तन में डाल दिए हैं, इसके ऊपर से सारा ग्रेवी हम डाल देते हैं। पनीर का कोफ्ता बन के तैयार हो गया है।
अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में कमेंट भी करें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।